एक साइड में है आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला जो इस टाइम अपने फोर्थ वीक में है, वहीं अगर सेकंड साइड की बात करें तो वहां पर है मरजावा अपने थर्ड वीक में, पागलपंती अपने सेकंड वीक में और कमांडो 3 अपने फर्स्ट वीक में। लेकिन जो है बाला अपने फोर्थ वीक में होते हुए भी बाकी तीनों फिल्मों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, यानी कि बाला ऑडियंस को अभी भी अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से कामयाब हो रही है। जहां पर फोर्थ वीक में आते आते फोर्थ क्या अगर मैं थर्ड वीक की बात भी करूं तो थर्ड वीक में आते आते बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी पर डे 1 करोड़ से कम का कलेक्शन करने लग जाती है, लेकिन बाला अपने फोर्थ वीक में होते हुए भी पर डे 1 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करने में कामयाब हो रही है। चलिए बताते हैं कि जो बाला है इसका है आज डे 24 और फिल्म के इंडिया के 23 डेज के कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं। तो बाला ने पहले अपने 3 हफ्ते 21 डेज में इंडिया में टोटल जो नेट कलेक्शन की थी वो थी 109 करोड़ 88 लाख रुपीज का, जिसमें से फर्स्ट वीक पहले 7 दिन का इंडिया का टोटल जो नेट कलेक्शन था वो था 72 करोड़ 24 लाख रुपए का, 72 करोड़ 24 लाख का। सेकेंड वीक में बाला ने कलेक्शन किया था 26 करोड़ 56 लाख रुपए का, 26 करोड़ 56 लाख का और थर्ड वीक में कलेक्शन किया था 11 करोड़ 8 लाख रुपीस का, 11 करोड़ 8 लाख का। तब जाके फिल्म का कलेक्शन 21 डेज का पहले 3 हफ्तों का हुआ था 109 करोड़ 88 लाख का। अब आ जाते हैं फोर्थ वीक यानी कि फोर्थ फ्राइडे को डे 22 को फिल्म बाला ने कलेक्शन की है 65 लाख रुपीज की और 23rd सैटरडे को बहुत बढ़िया कलेक्शन किया है जो हुआ है 1 करोड़ 35 लाख रुपए का, 1 करोड़ 35 लाख का। इसी के साथ बाला का इंडिया का पहले 23 डेज का टोटल जो नेट कलेक्शन हो जाता है वो है 111 करोड़ 88 लाख रुपीस का, 111 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन पहले 23 डेज में। अब आ जाते हैं डे 24 यानी कि फोर्थ संडे, और फोर्थ संडे का डे 24 का मेरा जो प्रेडिक्शन है वो रहने वाला है 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के आसपास का, 1.50 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के आसपास का। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूँ जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।